हेलो एवरीवन। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ। ओके, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स टॉपिक है और क्या। ठीक है, तो ये करना है और हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि इसमें करना क्या होता है। इसमें जो वेरिएबल वाला जो पोर्शन होता है उसको वन डालने देना होता है। तो यहाँ बोला गया सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस थिंग, राइट। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ, मान लो कल को मैंने इसको खोला, जब इसको खोल देंगे पूरा का पूरा खोल देंगे तो क्या आएगा तुम्हें, तो क्या लगता है कॉन्स्टेंट टर्म आएगा। उस कॉन्स्टेंट टर्म का नाम रख देते हैं मान लो ए नॉट, ठीक है। इसके बाद आता है मान लो एक्स वाला टर्म, ए वन एक्स, फिर मान लेते हैं आ जाएगा ए टू एक्स का स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब, सही ना, फिर ए फोर एक्स की पावर फोर, ठीक है। और ऐसे करते करते आखिरी में क्या आएगा, सबसे आखिरी में क्या आएगा, मतलब इस टर्म की अगर मैं पूछता हूँ कि ये जो एक्सपेंशन होगा इसकी डिग्री इतनी होगी, तो तुम सोच के देखो ना इसकी डिग्री क्या बनेगी। जो इसका सबसे अंदर जो सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है इसकी, एक्स स्क्वायर, सही है। तो सोच के देखो सबसे हाईएस्ट डिग्री वही तो होगी जब एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगा 2163, सही है। यानी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, एक्स की पावर 2 इंटू 2163, 2163, ठीक है। कोई बोलेगा मैं कैसे मान लूँ कैसा होगा, तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा है मान लो 1 प्लस एक्स माइनस 3 एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2163 बार, सही है। तो सोच के देखो अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को इस वाले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, फिर इस वाले से, फिर इस वाले से, फिर इस वाले ब्रैकेट में से, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते हर एक ब्रैकेट में से मैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर की पार 2163, यानी कि एक्स की पार 2 इंटू 2163, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, एक इधर आ गया, ठीक है। और फिर ये इसका डबल तो 13 हो गया यहाँ पे, और ये कितना आएगा, 5 हो जाएगा, ना 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 गलत कर दिया, 4 ही रहेगा। तो एक मिनट, हाँ मतलब ये आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा फिलहाल। तो इसमें हमारा आखिरी जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ए 4326 एंड एक्स की पार 4326, ठीक है। ऐसे करके एक्सपेंशन होगा। अब कोई बोलेगा कि तुम्हें कैसे पता कि एक्स क्यूब जो है वो इसके अंदर लाई करेगा या नहीं करेगा। मैंने कहा हो सकता है ना करे, हो सकता है ना करे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अगर नहीं करेगा तो ए थ्री कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर करेगा तो ए थ्री की कोई वैल्यू होती होगी, जो भी है फिलहाल। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो कुछ इस तरीके से एक्सपेंड हो सकता है ना। हो सकता है कि इसमें कोई कोएफिशिएंट 0 हो जाए, उसका मतलब होगा कि वो डिग्री इसके अंदर लाई नहीं करती है इस एक्सपेंशन के अंदर, सही है। चलो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए, यानी कि तुम्हें ए 0 प्लस ए 1 प्लस डॉट डॉट टिल ए 4326 ये चाहिए, तो तुम क्या करोगे। सबसे सिंपल स्टेप जो यहाँ पे हम करेंगे वो ये होगा कि इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, एक्स इक्वल टू 1 डाल दो, सिंपल। तो एक्स इक्वल टू 1 मैंने क्यों डाला, एक्स इक्वल टू 1 मैंने इसलिए डाला जिससे कि सेपरेट हो जाए। ये क्या बन जाएगा, ए नॉट, ये क्या बन जाएगा, ए 1, ये क्या बन जाएगा, ए 2, ये क्या बन जाएगा, ए 3, और सिंपल प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाली पूरी चीज़ जो है वो हट जाएगी और ऐसे चलता रहेगा ये कहाँ तक, ए 4326 तक। तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू 1 डालना है, पर ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर एक्स इक्वल्स टू 1 डालने का फायदा ये होगा कि हर बार वो आपका वेरिएबल हट रहा होगा, सही है, इतनी सी बात है बस, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट होगा नहीं, तो बस हम सिंपल क्या बोलेंगे कि एक्स इक्वल्स टू 1 डाल दो, छुट्टी, ठीक है। अच्छा, सिर्फ सिर्फ एक्स इक्वल्स टू 1 डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे पी और क्यू है, तो तुम्हारा जो एक्सप्रेशन होगा उसमें पी और क्यू दोनों के टर्म्स होंगे, तो पी और क्यू दोनों को 1 डाल देंगे, तब भी सिर्फ वेरिएबल ही बचेगा, सॉरी तब भी सिर्फ कॉन्स्टेंट ही आ रहा होगा निकल के। तो हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल सिंपल एक्स इक्वल्स टू 1 डाल देंगे। अच्छा, अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 1 मैंने तो अभी आरएचएस में डाला है, अब मैं एलएचएस में डालूंगा तो मेरे को वहाँ से आंसर मिल जाएगा, सही है। तो अगर मैं इसमें डाल दूँ 1, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1, 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो -1 की पार 2163, यानी कि आंसर कितना आएगा, -1, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है इसलिए। अब इधर देख लो इसमें क्या आंसर आने वाला है, तो 5 माइनस 4 हो गया ये, 5 माइनस 4 की पार n, यानी कि आंसर कितना आ गया, 1 की पार n, यानी कि बेसिकली 1, सही। इसे मिले अगर मैं नीचे वाले अगला पूछता हूँ तुमसे कि एक्स माइनस 2y प्लस 3z की पार n है, इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा। जब तुम इसको खोलोगे तो बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं, जितने भी टर्म्स आएंगे उन सबके कुछ कोएफिशिएंट्स होंगे। जो भी कोएफिशिएंट होंगे उसमें मैं एक्स वाई जेड तीनों को क्या डाल दूंगा, 1 डाल दूंगा। तो 1 डालते यहाँ क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 3 होल की पार n, यानी कि आंसर कितना आ गया, ये तो बन गया -1 -1 प्लस 3, यानी कि 2, तो 2 की पार n इज द फाइनल आंसर। इधर क्या आंसर आएगा, इसमें 1 1 1 कितना हो गया, 3, तो 3 की पार n, ये मेरा फाइनल आंसर है, ये सम ऑफ कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो कि कितना सिंपल है निकालना, सही है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको एक स्टेप फर्दर लेकर जाते हैं। इफ़ द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ दिस, देन अल्फा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा महान नहीं पूछा उसने, सिंपल सा ही पूछा है कि ये जो एक्सपेंशन है इसका जो सम ऑफ कोएफिशिएंट है वो बराबर है इसके सम ऑफ कोएफिशिएंट से, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तुम देख सकते हो दोनों में अल्फा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल, जैसे यहाँ पर एक्स यूज़ हो रहा है, यहाँ पर वाई यूज़ हो रहा है ना, तो सिंपल क्या बोलेंगे कि एक्स और वाई को क्या डाल दो, सिंपल 1 डाल दो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा माइनस, यहाँ क्या आ रहा है, ये -2 है, ये +1 है, यानी कि सिंपल -1 हो गया। तो अल्फा -1 की पार 35 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये है सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, उसका आंसर कितना आएगा, अल्फा -1 की पार 35। अब सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस अल्फा की पार 35।
ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे 35 ऑड है, तो अगर मैं इसको घुमा के लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस वन की बार 35, पर क्योंकि ऑड है तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है अल्फा माइनस वन की बार 35, इसका क्या मतलब बना, ये क्या चीज़ मतलब हुआ इसका? अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स अल्फा माइनस वन की बार 35 इक्वल टू जीरो, यानी कि अल्फा माइनस वन की बार 35 जो है वो जीरो के बराबर है। दैट सिंपली मींस कि अल्फा माइनस वन जो है वो जीरो के बराबर है, तो अल्फा जो है वो वन हो गया। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल सही है। अच्छा, कुछ लोग इसकी मिस्ट्री बना रहे हैं, ये कोई मिस्ट्री नहीं है, ये मैंने ऐसे छुपा दिया था इसको। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सिंपल सम ऑफ कोफिशिएंट देखे थे, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन करे थे, तो ये मैंने छुपा दिए थे, ऐसे मैजिकली छुपाया जा सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, और देखने तो मैं ये लो, ये भी छुपा दिए थे मैंने, है ना, बढ़िया। एक मिनट, हाँ जी चलो, ये सब तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये एक बहुत बढ़िया वैरायटी, एक बहुत ही बढ़िया क्लास ऑफ क्वेश्चंस शुरू हो रहा है, तो इसको देखते हैं। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे को दे रखा है 1 + x - 2x का स्क्वायर है और उसकी बार 20 दे रखा है, और बोला ये बराबर है कुछ इस तरीके से दे रखा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है, तो तुम्हें लग रहा है अभी मैं तुम्हें जो कराने वाला हूँ ना उसमें ढेर लगा दूंगा इस टाइप की वैरायटी का, ठीक है, तो डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो 1 + x - 2x का स्क्वायर और इस पूरे की बार 20, ओके, तो ये बराबर दे रखा है किस चीज़ के, ये भंगार के बराबर, यानी कि ए जीरो एक्स की बार 0 इज 1, तो हम छोड़ दे रहे हैं ए जीरो, फिर क्या आएगा ए वन एक्स, फिर क्या आ रहा है ए टू एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ए 40 एक्स की पार 40, तो यही तो मैंने ऊपर समझाया था तुम्हें, वही चीज़ उसने लिख दी बस सिग्मा फॉर्मेट में, पहली चीज़। दूसरा सुनो, यहाँ 40 क्यों आया, यहाँ पे इसकी डिग्री एक्स की पार 40 क्यों है, क्योंकि इस अंदर वाली की डिग्री कितनी है एक्स स्क्वायर, सही, तो एक्स स्क्वायर की पार 20 होगा तो हाईएस्ट डिग्री मिलेगी ना तुम्हें, तो इसलिए एक्स की पार 40 पे रखा है उसने, सही है, सिंपल, आई होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसने मुझसे बोला कि ये सब निकालना है तुम्हें कि ए 0 + a 2 + a 4 + a 6, यानी कि इवन वाले ए 2 ए है ना इस टाइप से, फिर बोला ऑड वाले ए 1 ए 3 ये वाले, फिर बोला गया कि इनके ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस वाले निकालो, फिर बोला गया कि नॉर्मल सम निकालो, नॉर्मल सम निकालना तो बच्चों का खेल है, वो हम पहले निकाल के रख लेते हैं, सिंपल एक्स इक्वल टू 1 डाल देते हैं, तो नॉर्मल सम निकल के आ जाएगा। नॉर्मल सम कितना होगा ए 0 ए 1 ए 2 है ना, ऐसे करते करते सिंपल जोड़ा है ए 40 तक, उसका आंसर कितना आएगा, इसमें 1 डालो तो 1 + 1 = 2, 2 - 2 = 0, तो इसका आंसर आ रहा है 0। ठीक है, तो हमारा ये डी वाला पार्ट तो पहले हो गया, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर तो 0 आ गया। पर अब मैं ज़रा इस वाले के बारे में सोचता हूँ, तो ये एक और इंटरेस्टिंग टाइप है, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन है। अब तुम जरा लॉजिकली सोच के देखो, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन कैसे आ सकता है। अगर मैं इधर देखता हूँ, मेरे पास सिर्फ ये है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ यही है मेरे पास, और इसमें से मेरे को क्या निकालना है, ए 0 आ जाए इधर तो, और इधर आ जाए -7, तो तुम समझ गए होगे कि अगर मुझे मेरे को +7 दे रखा है तो इसको मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है, फिर प्लस में आना चाहिए a2, अब a2 को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 1 से, पर मेरे पास इत्तेफाक से यहाँ पर है x का स्क्वायर, तो अगर मैं -1 का स्क्वायर भी कर दूंगा तब भी बनी आने वाला है, तो -1 हमारा अभी भी जिंदा है, मतलब अभी मैं यहाँ पर मैंने x को क्या डाला था -1, तभी तो आएगा -a1, और अगर मैं इधर भी -1 डाल दूंगा तब भी +a2 आ जाएगा, फिर इसके तुरंत बाद क्या होगा, इसके तुरंत बाद होगा a3 x³। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, -a3 चाहिए, राइट, तो अगर मैं यहाँ पर -1 डालता हूँ तो -1 का क्यूब कितना होगा -1, तो -a3 हो जाएगा, और वही मेरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि x = -1 अगर मैं डाल दूँ, अगर मैं x = -1 डाल दूँ इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो मेरे को क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा a0, फिर आएगा -a1, फिर आएगा +a2, फिर आएगा -a3, फिर आएगा +a4, ठीक है, और ऐसे चलता रहेगा ये आखिरी तक a40, लेकिन यहाँ पे एक माइनस आएगा यहाँ से, और ये किसके बराबर होगा, तो डेफिनेटली बात है तुमने x = -1 डाला है, तो इसमें डाल दो x = -1, तो जब इसके अंदर डाल दोगे -1 तो क्या आएगा 1 - 1 यार 0, फिर इधर क्या आएगा सिंपल -2, तो -2 की पार 20 हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली 2 की पार 20। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इतना तो कर लिया है, अब जरा इसको हटाते हैं इन सब चीज़ों को, और थोड़ा बहुत देखते हैं हम लोगों ने अभी तक कितना कर लिया है इसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको निकाला, इसका आंसर आ गया 2 की पार 20। ठीक है, और हमने जब इसको निकाला तो आ गया 2 की पार सॉरी इसको जब निकाला था तो आ गया था 0। ठीक है, ये हमारा जनरल तरीका रहेगा, हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होगा, पहले ये निकालो, फिर ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस निकाल लो, और फिर जो उसने मुझसे पूछा वो मैं करूँगा। ठीक है, अब तुम खुद सोच के देखो, एक तरफ से लिखा हुआ है ए 0, बल्कि मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, अब तो तुम समझदार हो चुके होगे, है ना, तो अगर मैं सी ओ डी को देखता हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास सी ओ डी लिखा हुआ है, ये वाला और ये वाला, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो a0 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 2a0, और ये a1 और a1 कट जाएगा, मैं सिंपल जोड़ रहा हूँ इस टाइम पे, यहाँ जोड़ोगे तो क्या आएगा 2a2, और ये कट जाएगा, माइनस और ये प्लस है। ठीक है, ऐसे चलते चलते तो आखिरी में क्या आएगा 2a40। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो ये इवन वाले हैं a0 a2, ये वाले हमारे पास एक बार में आ गए, और इनका सम कितना होगा 2 की पार 20 + 0, यानी कि 2 की पार 20। अब अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल LHS में a0 a2 a4, ऐसे करते करते प्लस में a40, ये किसके बराबर हो जाएगा 2 की पार 19। मैंने 2 कॉमन ले लिया, उसको उससे डिवाइड कर दिया, तो 2 की पार 20 कितना हो गया 2 की पार 19, एंड दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया 2 की पार 19। ठीक है, आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं ऑड वाले की बात करूँ,
ठीक है, ये चलो इसका हो गया। अगर मैं ऑड वाले की बात करता हूँ तो ऑड वाला कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अगर मैं ऑड वाले की बात करूँ तो शायद तुम समझ ही गए होगे क्योंकि हम लोगों ने इस टाइप की चीज़ कर रखी है ऑलरेडी ए एंड बी एनालिसिस वाले में। फिर भी हम इसको समझ रहे हैं। अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो ये और ये खत्म हो गया। यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2a1। फिर ये माइनस करा तो ये खत्म हो गया, यहाँ क्या आ गया -2a3। फिर आएगा -2a5 एंड सो ऑन, सबसे आखिरी में क्या आएगा -2a39, क्योंकि 40 तो इवन है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2e20 -0, दैट इज सफिशियंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अगर मैं -2 कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा a1 + a3 + a5 एंड सो ऑन टिल a39, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2e20 डिवाइडेड बाई -2, यानी कि कितना हो गया, माइनस तो बाहर ले लो माइनस, और ये दोनों डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 2e आपका 19। तो इसका आंसर कितना हो गया, -2e19। तो ये हमारे चारों के चारों आंसर आ गए। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जिसने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें एक बार में सिखा दी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। और तुम देख पा रहे हो कि काफ़ी हद तक सिमिलर है बाइनोमियल में जब हम एक्सपेंशन करते हैं उस टाइप की चीज़ों से, पर इसका बाइनोमियल से एज सच कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बाइनोमियल है ही नहीं, है ना, ये तो ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, इसने तुम्हारी नींव रख दी है, ठीक है ना। अब मैं तुम्हारे ऊपर जितना चाहूँ उतना अत्याचार कर सकता हूँ, सही है। फिर भी चलो उससे पहले तुम जरा मुझे ये वाला करके दिखाओ, ये बिल्कुल उसी टर्म्स में लिखा हुआ है जैसे कि तुम्हें याद आ जाए कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। डी वाला पार्ट तो तुम रहने दो अभी, पहले तुम ये वाले करो, ए बी सी करो तुम जल्दी से, ठीक है। ये वाला तुम कर सकते हो, डी वाले पार्ट के लिए मैं तुम्हें फिर से नई चीज़ सिखा रहा हूँ। मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई चीज़ तुम नई सीख जाओ, ठीक है, इससे ज़्यादा तुम्हारा फायदा रहेगा काफ़ी। और ये एकदम एक्सक्लूसिव चल रहा है आज का जो हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि तुम्हें मिलेगा नहीं, जहाँ तक है यूट्यूब पे भी बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, और भी कहीं ना के बराबर लोग कराते हैं इस चीज़ को। और ये बुकों में तुम्हें हर जगह मिल जाएगा, मतलब अगर तुम मानो अरियंत खोल लोगे, सिंगेज खोल लोगे, तो तुम्हें हर तीसरे चौथे कदम पर तुम्हें इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और वहाँ पर फिर बच्चा डर लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हाँ जी, तो पहला पॉइंट उसकी डिग्री, तो डिग्री कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर इसकी डिग्री है तो एक्स स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x^2n। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री तो एकदम सही है इसकी। और फिर उसने क्या बोला, a0 + a1 + a2 ऐसे करते करते a2n तक, मतलब बेसिकली सिंपल सम पूछ लिया है। सिंपल सम कितना होगा, 1 डाल दो इसमें तो 1 1 1 कितना हो गया 3, तो 3e n, तो इसमें आंसर कितना आ गया, 3e n आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब इधर देखो, a0 + a2 + a4 ऐसे करते करते a2n तक। तो अब मैंने यार तुम देख पा रहे होगे क्योंकि हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख रखा है कि मुझे इसकी ऑल्टरनेटिव सीरीज भी निकालनी पड़ेगी, यानी कि a0 - a1 + a2। ये मुझे अपने आप सोचना पड़ेगा, जैसे ही मैंने देखा कि यार इवन और ऑड पूछा गया है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यार ये निकाल लो a0 - यही तो सिखाया पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। हर चीज़ तुम्हें पता है कायदे से, मैं बताऊँ कायदे से, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूँ तो मैं ना तो तुम्हें ये दूंगा, ना मैं तुम्हें ये दूंगा, ना मैं कुछ नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ये दूंगा, भाई ये निकाल के दिखा, ये निकालो मेरे को, तो ये निकाल के दो सीधे सीधे, ठीक है। तो तुम्हें अपने आप गेस करना है कि इसको निकालो फिर सीक्वेंस वाले को निकालो, कॉमन सेंस की बात है ना, इतने सब क्यों देंगे तुम्हें, ये तो खिलाना हो गया एक तरीके से कि अपने आप कर, मतलब हम तुम्हें सिखा रहे हैं कि बेटा पहले ये निकालो फिर वो निकालो फिर ये निकालो, अपने आप ही निकल जाएगा, बच्चा अपने दिमाग लगा लेगा इतना तो, है ना। तो टफ बनाने के लिए बस ये कर देगा मैक्स टू मैक्स, तो ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, पैटर्न्स तुम्हें देखे हुए होने चाहिए, एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा पेपर में, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमें पता है, हम -1 डाल देंगे इसमें, तो -1 डाल दो, ये हो गया 1 - 1, ये हो गया -1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो खत्म खत्म, 1e n यानी कि सिंपल 1 आ गया ये, तो ये तो 1 आ गया। और इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था हमारे पास 3e n, सही है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इवन निकालना चाह रहा हूँ तो दोनों को जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 3e n + 1, भाई 3e n हो जाएगा और +1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो ऑड वाले तो खत्म हो जाएंगे, एंड डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दो वाले आते हैं। एंड सिमिलरली अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो इस वाले में क्या हो रहा होगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, जैसे मैंने ऊपर माइनस किया था ना, ऐसी मैं इस वाले को और इस वाले को क्या करूँगा, माइनस करूँगा। जब माइनस करूँगा तो 3e n -1 आ जाएगा, 3e n -1 आ जाएगा, पर साथ में एक 2 भी आएगा तो वो 2 यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ, डिवाइड बाई 2, सही है, सिंपल, ठीक है। तो बस दोनों को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें इतना तो मिल ही गया, चलो ठीक है। तो तुमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब मैं ज़रा इसके बारे में बात करूँ, यहाँ से मतलब फिर से एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, ठीक है, जिसके लिए तुम्हें फिर से तैयार रहना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है जब वो स्क्वायरिंग के बारे में पूछ लेता है। सही, IIT JEE जो है ना, वो इस टाइप की चीज़ों को डायरेक्ट नहीं पूछा उसने आज तक, पर कभी भी पूछ सकता है ना, उसका कोई वो नहीं है कि वो पूछेगा नहीं, है ना, क्योंकि उसने कई बार झलक दी है इस टाइप के एक्सपेंशन की। तो मैंने बोला यार इसमें PhD पहले करा के रख दो, किसी दिन आएगा तो अपन सबसे पहले, है ना, अपना वो निकालेंगे नारा कि हमने तो पहले करा दिया था। क्या जो भी है, इस वाले को करते हैं फिर, कैसे करेंगे इस वाले को, पहले अपने, अच्छा अपने आप ज़रा सोच के देखो, कुछ लोगों के दिमाग में शायद, जिसका दिमाग थोड़ा सा तेज़ दौड़ा होगा उसने सोचा होगा कि चलो ये निकाल के देखते हैं, a0 - a1 + a2 - a3 ऐसे करते करते a2n तक, तो उसने सोचा होगा यार जब किया होगा उसने तो इसका आंसर आ गया, इसका आंसर कितना आया था, 1 आया था, और इस वाले का आंसर कितना आया था, 3e n। तो उसने अगर ये सोचा कि इसको, इस वाली चीज़ को अगर मैं इससे क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, फिर अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम ये तो सही सोच रहे हो कि अगर मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आएगा a0 का स्क्वायर आएगा, पर ये जो a0 वाला बंदा है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, सबसे होगा, है ना। पर अगर मैं इतनी चीज़ को साइड कर दूँ तो फिर ये a1 वाला बंदा इससे भी होगा, तो यहाँ आ जाएगा -a1 का स्क्वायर, तो ये सीरीज़ बंद तो जाएगी पर उसके साइड में जो कहानी आने वाली है वो इस कहानी को बहुत ज़्यादा घिच पिच कर देगी एक तरीके से, ठीक है। तो फिर हमने सोचा यार क्या करें, क्या करें,
तो इतना तो समझ में आ रहा है कि यार ये ए जीरो का जो स्क्वायर है ये बेसिकली अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है हमें कुछ भी करके, ठीक है ओके परफेक्ट, सोचते तो हम सही रहे हो, फिर भी क्या कर सकते हैं। तो सही से सोचना, अगर मैं एक और सीरीज को सोचूं यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से हो, ए नॉट का एक्स की बार 2n, फिर यहाँ पर हो ए वन, सुन लेना ए वन एक्स की बार 2n-1, फिर यहाँ पे हो ए टू एक्स की बार 2n-2 एंड सो अनटिल आखिरी में जब ये हो तो सिंपल ए टू एन एज अ कॉन्स्टेंट टर्म हो। अगर मैं अब इन दोनों सीक्वेंसेस को मल्टीप्लाई करूँ अब क्या होगा, ठीक है अगर मैंने ऐसे लिया और इसको मल्टीप्लाई करा तो सुनना ज़रा बहुत सही चीज़ होने वाली है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आएगा ए नॉट का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा एक्स की बार 2n, फिर ये बात सच है कि ये ए नॉट एक्स की बार 2n जो ये सबके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, पर जरा सुनो पहले मैं सिर्फ ये वाली मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ये बात सच है कि ए नॉट जो है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है और वो होगा भी, वो रुकेगा तो नहीं हमारे लिए, जब वो ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ए नॉट एक्स की बार 2n+1 और यहाँ पे ये भी आ जाएगा ए नॉट ए वन आ जाएगा ए जीरो ए वन एक्स की बार 2n+1। तो हम इसका ऐसा कोई हमारे किसी काम का है नहीं है, पर अगर मैं अपना काम करूँ ए जीरो स्क्वायर एक्स की बार 2n, सही है अब इस वाले को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, तो आएगा ए वन एक्स की बार 2n-1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर क्या आ रहा होगा, फिर आएगा ए स्क्वायर एक्स की बार 2n-2, ठीक है पर यहाँ पर ए वन का स्क्वायर हो गया था, यहाँ पर भी ए टू का स्क्वायर हो गया, फिर ऐसे जाएगा ए थ्री का स्क्वायर हो गया एक्स की बार 2n। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट मैंने गलती कर दी यहाँ पर, ये ठीक है तो ये हो जाएगा एक्स की बार 2n, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की बार 2n, फिर ये एक्स स्क्वायर इसके साथ होगा तो हो जाएगा एक्स की बार 2n एंड सो ऑन, ये आगे तक जाएगा ऐसी बिल्कुल ऐसी आगे तक जाएगा और यहाँ पर आएगा ए 2n जो सबसे आखिरी वाला है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ लिखा होगा एक्स की बार 2n। और हाँ ये बात सच है, ये तो सिर्फ हमारे ये जो अभी ये जो चीज़ आ गई है तो मैं एक पैटर्न दिख रहा है इसमें कि एक्स की बार 2n जो है, एक्स की बार 2n जो है वो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसमें एक्स की बार 2n जो है वो बेसिकली इसका कोफिशियंट कोफिशियंट का सम है बेसिकली, मतलब अगर मैं एक्स की बार 2n का कोफिशियंट निकालूं तो क्या आएगा, वो आएगा ए नॉट का स्क्वायर प्लस ए वन का स्क्वायर, ठीक है फिर प्लस ए टू का स्क्वायर फिर प्लस ए थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ए 2n का स्क्वायर, बोलो है ना सही 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 बोल रहे हैं एकदम मैं, ठीक है बिल्कुल। तो तुम बोलोगे हाँ सोच तो सही रहे हो तुम, है ना तुम सोच तो बिल्कुल सही रहे हो। मैंने बोला लेकिन यार ये सब ये तो आने वाला नहीं है, है ना ऐसा, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि इसमें सिर्फ 2n तो आएगा नहीं, इसके आगे की भी चीज़ आएंगी, और क्या आएगा और क्या आएगा, चलो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ए जीरो एक्स की बार 2n है, जब ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास आएगा ए जीरो एक्स की पार्ट 2n इंटू एक्स यानी कि 2n+1। अच्छा अब कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए कि अरे यार यहाँ पे तो डिग्री क्या है, 2n है, ये 2n+1 कैसे आ गया। अरे भाई इसकी डिग्री 2n है और इसकी भी डिग्री 2n है, ये कोई और एक्सपेंशन है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये कोई दूसरा एक्सपेंशन है और वो दो एक्सपेंशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जैसे भी हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए जीरो ए वन आ रहा है फिलहाल यहाँ पर, तो ऐसे करके करते हुए बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उनसे हमें मतलब भी नहीं है, उनसे हमें मतलब भी नहीं है, हमें सिर्फ अपने वाले से मतलब है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक पैटर्न समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया कि बेसिकली ये जो हमारा आंसर है ना सिंपल सम वाला, ये एक्स की पार 2n का क्या है, कोएफिशिएंट है, ठीक है परफेक्ट ओके। तो ये तो हमारा बेस हो गया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब हमें करना क्या है इसमें, है ना कि हम एक्चुअल में कैसे निकालने वाले हैं इसको। तो यहाँ पर एक और लिख दो, एक ई पार्ट और लिख दो, क्योंकि ये तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन वाला है, पहले मैं प्लस वाला लिखाऊंगा, ए स्क्वायर का इसका, फिर ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल प्लस ए 2n का स्क्वायर, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो ये डी ई, ये हमने ए बी सी तो कर लिए थे, ये डी और ई वाले हमें और करने हैं। तो इसका सबसे सिंपल तरीका, जो इस टाइप की तुम्हें अगर सीरीज चाहिए तो एक्स को रिप्लेस कर दिया जाए 1/x के साथ, जैसे मैंने लिखा बच्चे आधे कन्फ्यूज़, एक्स को 1/x कैसे लिख दोगे तुम, है ना एक्स को 1/x के साथ कैसे कन्फ्यूज़ कर दोगे। तो सुनो भाई, एक्स तुम्हारा है वेरिएबल, ठीक है ना, एक्स तुम्हारा यहाँ पर वेरिएबल है, मैं बड़े आराम से इसको ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ ये बात सच है कि इस वाले एक्स और इस वाले एक्स में ज़मीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर अगर इसकी वैल्यू 2 है तो यहाँ पर ये 1/2 बना रहा है टोटल मिला करके, सही है। तो अगर तुमने यहाँ पर 2 किया है तो जो ये वाला एक्स है ये एक्चुअल में 1/2 हो रहा है, सही ना, तो ये दोनों का फर्क है पर दोनों हैं सेम चीज़ ही। तो अगर मैं यहाँ पर 1/x डाल देता हूँ तो ये बन जाएगा 1+1/x प्लस 1/x का स्क्वायर होल की पावर n, तो यहाँ पर भी हर जगह पे x की जगह पे क्या आ जाएगा 1/x। तुम इसको ऐसे समझो, मैं पता है कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं ऐसे मान लो कि x नहीं आज की बात से कोई 1/y है, या इनफैक्ट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक नया वेरिएबल कंसिडर करते हैं y, ठीक है नया वेरिएबल कंसिडर किया मैंने वाई, और उसको बोल दिया कि वाई बेटा आती बात से 1/x के बराबर है, ठीक है। तो देखते तुमने बोल दिया कि अच्छा एक्स मतलब 1/y है, ठीक है, तो बस वो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। तो जैसे सब्सटीट्यूट किया तो क्या बन गया, 1+1/y+1/y का स्क्वायर होल की बार n,
ठीक है, तो ये बन गया ए ज़ीरो, फिर यहाँ गया ए वन बाय वाई प्लस ए टू बाय वाई का स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन टिल आखिरी में क्या बनेगा, आखिरी में बनेगा ए टू एन डिवाइडेड बाय वाई की पावर 2n, यही तो बनेगा। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम लेते ही नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सिंपल वाई की पावर 2n, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए ज़ीरो वाई की पावर 2n, फिर प्लस में आ जाएगा ए वन वाई, एक मिनट सॉरी ए वन वाई नहीं आएगा, ए वन वाई 2n-1 आएगा, फिर क्या आएगा ए टू वाई 2n-2, एंड सबसे आखिरी में क्या आएगा सिंपल ए टू एन, ठीक है। अब ये जो वाई की पावर 2n है इसको तो मैं एलएचएस पे लाते हैं क्योंकि सिंपल कॉन्स्टेंट ही है, मतलब कॉन्स्टेंट ही मतलब हाँ चलो। तो जब ये वाला बंदा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ तो क्या होगा, तो इसको अंदर ले जाओ ऐसा करो, तो वाई स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो वाई स्क्वायर करते ही हो गया, बन गया वाई स्क्वायर, ये बन गया वाई और ये बन गया वन की पावर एन। तो तुम देख सकते हो कि हमने ये काम करा और इससे हमारे पास ये आंसर कितना आ गया, ये कुछ इस तरीके से बन गया, वन प्लस वाई स्क्वायर की पावर एन जो है वो इसके बराबर आ चुका है, ठीक है। अब तुम मेरी बात सुनना, अगर मैं तुम्हें ऐसे दूं या फिर मैं इसको ऐसे लिख के दूं, वन प्लस एक्स का स्क्वायर होल की पावर एन इक्वल्स टू ए ज़ीरो, सॉरी ए ज़ीरो एक्स की पावर 2n प्लस ए वन एक्स की पावर 2n-1 एंड सो ऑन टिल ए 2n। तो इसमें ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फ़र्क है, तो मुझे अरे फ़र्क क्या पड़ रहा है, एक्स लिखो चाहे वाई लिखो, मानो ऐसे मान लेते हैं, मानो ये वाला जो क्वेश्चन है मान लो ये होता है अरिहंत के अंदर और ये वाला होता है सिंगेज वाली बुक के अंदर, सही है। तो तुम क्या बोलते हैं कि ये अलग क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन नंबर वन मानो और इसको क्वेश्चन नंबर टू मानो, सही बताओ। अगर तुमने ऐसे कर दिया तो मैं एक क्वेश्चन के फिर हज़ार क्वेश्चन बना सकता हूँ क्योंकि मैं हर एक का वेरिएबल चेंज करके तुम्हें नए नए क्वेश्चन देता रहूँगा, चाहे क्वेश्चन सेम हो, एक्जैक्टली सेम चीज़ लिखी हुई है, चाहे मैं वाई यूज़ करूँ चाहे मैं एक्स यूज़ करूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अगर मैं तुम्हारे सामने दो क्वालिटी के क्वेश्चन दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, और फिर तुम्हारे सामने लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या ये मैंने कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें लिख दी, तुम क्या ये बोलोगे कि यार यार ये तुमने सेम एक्स यूज़ कर लिया यार, यहाँ पे एक्स तो बस इसी के लिए यूज़ होगा, इसके लिए थोड़ा यूज़ होगा। तो अगर अब मैं तुमसे बोलूँ, तुम इतना तो मान चुके हो ना अभी तक कि इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने ये पूरा एनालिसिस जो किया था वो मैंने हटा दिया यहाँ से क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ए ज़ीरो ए वन ए टू ये सब तो कॉन्स्टेंट है, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे तुम यहाँ यूज़ करो चाहे इनको यहाँ यूज़ करो, है ना, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये दो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, अगर मैं यहाँ पे टू हटा कर चलो यहाँ पे फाइव ही कर हटाओ, यहाँ मैंने फाइव कर दिया, तो ये फाइव चाहे मैं यहाँ लिखूँ चाहे यहाँ लिखूँ, ये फाइव कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली ये एक्स जो है ये भी इंडिपेंडेंट है ना, ये मैं जहाँ चाहूँ वहीं यूज़ कर लूँ। तो अगर मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि इस एक्सपेंशन को इस एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई करो, तो इस बात पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, सही है ना, इस बात पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कल को अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये एक्स की बार फोर ही होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो तुम अपने मुंह से बोलते हो कि एक्स स्क्वायर वाला बंदा जो है वो दूसरे वाले एक्स स्क्वायर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो रहा है एक्स की बार फोर। तो तुम ये तो नहीं बोलते ना ये वाला एक्स डिफरेंट है ये वाला एक्स डिफरेंट है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सिमिलरली मैंने ये करा, अब मैंने क्या बोल रहा हूँ, मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि ये है एक्सपेंशन नंबर वन, ये है एक्सपेंशन नंबर टू, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, वन प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर एन है और ये भी वही चीज़ है, तो बेसिकली इसी का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे सीधे 2n लगा दे रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको इसके साथ क्या करा है, मल्टीप्लाई लिख दो यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग वन एंड टू। अब RHS में हो रहा है सारा खेल, तो RHS में क्या हो रहा है, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया है कि ए ज़ीरो एक्स की पार टू एन जो है वो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बन रहा है ए नॉट का स्क्वायर और यहाँ जा रहा है एक्स की पार टू एन। फिर ये जो ए वन एक्स है ये इसके भी साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ए ज़ीरो ए वन एक्स की पार टू एन प्लस वन, सही है। अच्छा इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी, 4n होगी, ठीक है ना, 2 into 2n। उन सब चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ पहली बार, इसलिए तुम्हें इतना टाइम लगेगा समझने में, वरना तुम जब एक बार समझ जाओगे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिलहाल हमें तो समझ में आ गया कि ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा फिर इसके आगे क्या होगा, ये जो ए ज़ीरो एक्स की पावर टू एन है ये इसके साथ जाके भी मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए ज़ीरो ए टू एक्स की पावर टू एन प्लस टू एंड सो वन, बहुत सारे आने वाले हैं। फिर सिमिलरली ए वन एक्स की पावर टू एन जो है जब वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए वन का स्क्वायर एक्स की पावर टू एन, प्लस में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। और फिर यही वाला बंदा ये ए वन एक्स बाय टू एन जो इससे भी होगा इससे भी होगा तो इसके भी बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। पर तुम समझ गए ये हमारे किसी काम के नहीं है, जो हमारे काम के वो ये वाले काम के हैं, ए स्क्वायर है ना, ये ए नॉट का स्क्वायर हुआ, ये ए वन का स्क्वायर हुआ। तो मैंने पहले यही करा सीधे सीधे, पहले मैंने सारे एक्स बाय टू एन वालों को साथ में लिखा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस टाइम पे ए ज़ीरो एक्स की पावर टू एन, फिर प्लस में ए वन एक्स की पावर टू एन, फिर प्लस में ए टू एक्स की पावर टू एन एंड सो ऑन, आखिरी में आएगा ए टू एन का स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर लिखना भूल गया यहाँ पे सबके, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर टू एन, फिर प्लस में और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, आखिरी में कोई एक्स की पावर फोर एन वाला टर्म भी आ रहा होगा और इसके आगे कुछ आ रहा होगा, पता नहीं क्या आएगा, मतलब हम निकाल सकते हैं पर निकालने की कोई जरूरत नहीं है सच, ठीक है। बल्कि अगर तुम निकालना चाहो तो शायद ए टू एन, ठीक
ठीक है, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 2n है और इधर a, हाँ a 2n आएगा, इधर a 0 आएगा, है ना। इस टाइप से बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं हमारे, हमें सिर्फ इससे मतलब है, हमें अपने सिर्फ इन वाले टर्म से मतलब है। तो अब मेरा नेक्स्ट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये होगा, अभी मैं ई वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, नेक्स्ट मेरा आर्ग्यूमेंट ये होगा कि हमारा जो रिक्वायर्ड सम है, रिक्वायर्ड सम जो है वो हम कर सकते हैं अगर हम ये करें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2n इन एक्सपेंशन ऑफ क्या है 1 + x + x² की पार 2n है अपने पास। अगर मैं इसमें कोएफिशिएंट ढूंढ लूँ एक्स की पावर 2n का, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2n इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x + x² की पार 2n जो है वही मेरा आंसर है एक्चुअल में, है ना। इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, a₀ का² + a₁ का² + a₂ का² एंड सो ऑन टिल a₂n का स्क्वायर। सिंपल, यही मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है क्या, यही मेरी रिक्वायरमेंट भी है, सही है। तो मुझे बस कोएफिशिएंट निकालना है ऑफ एक्स की पर 2n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। पर अब इसके आगे हम अगर प्रोसीड, मतलब अगर मैं इसके आगे जाना चाहूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन में इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पर 2n इसके अंदर क्या हुआ, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बता सकता। तो मान लो क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ होता कि चलो मानो इस तरीके से दिया होता क्वेश्चन के अंदर, अभी मतलब तुम इनको ऐसा ना एज अ क्वेश्चन ना देख करके इनको एज अ कंसेप्ट देखो, ठीक है। मानो क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता कि 1 + x + x² की पार मान लेते हैं 2n, जो हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट एक्सपेंशन बना हुआ है, ये मानो इसके बराबर है, किसके बराबर, मान लेते हैं b₀ + b₁x, है ना, और ऐसे करते करते मान लेते हैं क्या b₄n x की पार 4n, क्योंकि इसकी डिग्री 4n तक जाएगी, और बीच में कोई नंबर होगा b₂n x की पार 2n। अब मैं बोलूँगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पार 2n इन एक्सपेंशन ऑफ ये कितना होगा, b₂n, है ना ये, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो चीज़ है ये किसके बराबर हो गई, b₂n के बराबर हो गया, हो गया, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो अभी हमारे, हमें इससे मतलब नहीं था कि हमने कैसे किया, हमें मतलब ये था कि हमने ये कौन से एक्सपेंशन यहाँ पे यूज़ किए, इस चीज़ से मतलब नहीं, ये तो फाइनल सम हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन में हमें एक्जैक्टली दे रखा था डी पार्ट, उसके लिए हमारे को इन्फॉर्मेशन सफिशेंट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, सही है। तो मैं वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब उसके लिए तुम अपने आप दिमाग लगा करके सोचो, हमने अभी क्या किया था, हमने अभी रिप्लेस किया था 1/y से किया था, चलो 1/y से रिप्लेस किया था, सही है। और उससे मेरे को क्या मिल रहा था, उससे जब मैंने ऐसा किया था तो मेरे को एक इधर मिल गया था a₀ x की पार 2n, इधर आ गया था प्लस में a₁ x की पार 2n-1, फिर प्लस में a₂ x की पार 2n-2, फिर डॉट डॉट टिल a₂n, ये मेरा एग्जैक्ट एक्सपेंशन बन गया था यहाँ पर। और यहाँ पे क्या गया था, यहाँ पे आ गया था फिर से वही 1 + x + x² होल की पार n, ठीक है। ये हुआ था तब जब मैंने इसको रिप्लेस किया था 1/y से, ठीक है। पर जब मैंने इसको कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करा, जब मैंने मल्टीप्लाई किया पूरे इसको इस एक्सपेंशन के साथ, दोनों एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई किया, तो बहुत सारे टर्म्स आ गए। पर उसमें से मैंने बोला कि यार एक्स की बार 2n का जो कोएफिशिएंट होगा वो अपने काम का है, क्यों, क्योंकि वो बनेगा a₀ का² + a₁ का² ऐसे करके। पर अब हमारी रिक्वायरमेंट दूसरी है, अब हमें प्लस में नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए एक माइनस में, दूसरा प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, सही, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर किसी तरह यहाँ पे माइनस आ जाए, ऐसे करके यहाँ पे माइनस आ जाए, सही है, और फिर यहाँ पे प्लस ही रहे, सही है, और फिर यहाँ पे मानो माइनस आ जाए, तो क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स की बार 2n का ही कोफिशियंट होगा, पर हमारे काम का होगा, क्यों, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या आएगा, a₀ का² x की पार 2n, फिर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा माइनस में a₁ का² x की पार 2n, सही है, क्योंकि 2n-1 एंड ये x, फिर जब ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस में a₂ का² x की पार 2n, फिर आएगा माइनस a₃ का² x की पार 2n एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पर माइनस प्लस माइनस इस टाइप की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे सिंपल कि a₀ का² - a₁ का² + a₂ का² ऐसे करते करते अगर तुम्हें जाना है तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ x की पार 2n है इसके अंदर, सही है। पर तुम सोच रहे होगे ये होगा कैसे, ये चमत्कार होगा कैसे, तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो सकती है कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए -1/1, अब मैं सीधे x बोल देता हूँ, फालतू धांधलीबाजी नहीं कर रहा कि मैं y में करूँगा, फिर y से x में आऊँगा, फिर समझाऊँगा तुम्हें पूरा बैठ के, सही, जैसे मैंने 1/x से किया था पहले वाले में, अब यहाँ कर दे रहा हूँ -1/x से। ऐसा क्यों करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें, देखो करो यहाँ पर यही, तो बन जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -1/x, और फिर 1 - 1/x² यानी कि फिर से 1/x² हो गया यहाँ पर, और इसका इसकी पार n, सही है। अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, तो अगर मैं इसमें -1/x डालूंगा तो a₀ तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा -a₁/x, तो मैं दिख गया यहाँ पर माइनस आ चुका है, ठीक है। फिर क्या आएगा प्लस में a₂ / x², फिर माइनस में a₃ / x³, एंड ऐसे करते करते आखिरी में आ रहा होगा a₂n x की पार 2n, ये प्लस में ही होगा। अब अगर मैं इसमें LCM ले लेता हूँ तो नीचे आ जाएगा x की पार 2n, ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया a₀ x की पार 2n -a₁ x की पार 2n-1, 2n-1 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x है इस वजह से, फिर प्लस में आएगा a₂ x की पार 2n -2, फिर माइनस में a₃ एंड सो ऑन, ठीक है, माइनस में a₃ x की पार
2n-3, और यही हमें चाहिए, यही हमें चाहिए। तो हमने एक्स की बाय 2n, बेटा तुम बेटा निकलो यहाँ से। तो एक्स की बाय 2n को हमने निकाल दिया, वो इसके साथ जगह मल्टीप्लाई हो गया। अब एक्स की बाय 2n में से n को कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर अंदर घुस गया। एक्स स्क्वायर जैसे अंदर घुसा तो यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल की पार n, ठीक है। तो अब ये मेरा फाइनल एक्सपेंशन है, तुम समझ पा रहे हो, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। इस टाइम पर तुम जाओ, अगर तुम्हारे पास अरिहंत नाम की बुक है तो एक पटक जाओ, पहले मैं चेक कर लूँ ये एग्जांपल मैंने कहाँ से निकाला था। ये मैंने अरिहंत की बुक में से लिया है, एक पटक जाओ। हाँ जी, तो मैंने अभी चेक करा है, अरिहंत की तुम बुक खोलो, उसमें सॉल्व एग्जांपल पे जाओ। सॉल्व एग्जाम अगर तुम्हारे पास है तभी बोल रहा हूँ, नई वाली जो नया एडिशन है इस टाइम पे, अगर तुम्हारे पास है तो तुम चेक कर सकते हो, नहीं है तो ऐसी कोई तुम्हारा कुछ लॉस नहीं हो रहा है, मैं तो सब समझा रहा हूँ ऑलरेडी। अगर किसी के पास है तो अरिहंत का सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 485, जो नई वाली बुक है ना इनकी, नई वाली मतलब कौन सा एडिशन है यार, ये 2018 का एडिशन है, कौन सा ये, हाँ मतलब 2018 का ये शायद। तो जो भी है पेज नंबर 480 सॉल्व एग्जांपल पे जाना, तो उसमें जहाँ तक है एग्जांपल नंबर 32, जो मेरे पास बुक है उसमें ये लिखा हुआ है, अभी मैंने खोल के देखी है इस टाइम पे, तो उसमें ये मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन लिया है। और वहाँ पर तुम देख लो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इस बात का कि क्यों करना है ये, और मैं तुम्हें पूरा समझाता हुआ चल रहा हूँ, पूरा लाइन ऑफ थिंकिंग दे रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ क्यों जाना है, इसको क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्यों यहाँ पर माइनस प्लस चाहिए, और इस वजह से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि माइनस वन में एक्स से डिवाइड करो, ठीक है। इसलिए हम लोग इतनी देर लगती है हर चीज़ समझाने में। तो जब हमने ये काम कर दिया, अब तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि बस इनको मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पार 2n जो है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पार 2n, ठीक है ना, वो मुझे निकालना है किसके अंदर, इन वॉट। तो देखो इधर तो एक्सपेंशन हमारा वही है अभी के अभी, पर यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन चेंज हो चुका है ना, यहाँ हमारा एक्सपेंशन अभी अभी चेंज हुआ है, नया नया ताज़ा। तो यहाँ जो हमारा एक्सपेंशन है वो क्या बन रहा है, तो वो मेरा बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, फिर प्लस में 1 की बार n, ये बना था मेरा एक्सपेंशन, अगर मेरे को ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चाहिए तो। अब ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली चीज़ जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है इस वाले ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ भी मल्टीप्लाई हो रही है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, इस पूरी की बार n है, यहाँ पर है क्या एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस पूरे की पार n, पहले मैं इन्हीं को देख लूँ ज़रा, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे माइनस में लिखा है उस तरीके से लिखते हैं इसको, इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा, देखो ना ये लिखा है ए प्लस बी, यहाँ लिखा है ए माइनस बी, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर, या फिर अल्टीमेटली ऐसा कुछ बन चुका है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेसिकली हम लोग आइडेंटिटी की तरह पढ़ते हैं, पर जिनको नहीं आती मैंने पूरा दिखा दिया था, मैं तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, ये ओवरऑल हो गया क्या एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे की पावर n, सही है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2n तो मैं निकालना है इसके अंदर, ठीक है, डायरेक्टली बोला जाए तो इसके अंदर निकालना है। जब तुम इसके अंदर एक्स की पावर 2n का कोएफिशिएंट निकालते हो, तो अगर मैं अपने RHS के थ्रू देखूंगा, अगर मैं अपनी RHS के थ्रू अपना आंसर निकालना चाहूंगा, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा ये ए नॉट का स्क्वायर माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर, जो मेरी रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में, माइनस ए थ्रू का स्क्वायर डॉट डॉट टिल ए स्क्वायर 2n तक। पर अगर मैं LHS से निकालना चाहूँ, LHS मतलब इसमें से निकालना चाहूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। अब इसमें से निकालने का तरीका क्या है, तो इस में से निकालने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया जाए एक्स के साथ, तो एक्स की पावर 4 क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, खुद अपने आप में एक्स बन जाएगा, और 1 तो कांस्टेंट है तो बता ऐसी रहेगा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर एन। ओहो, तो मैं दिख रहा होगा ये, और ये तो सेम ही आ गया, तो बेसिकली ये ही हमारा यहाँ पर फिर से आ जाएगा। अब मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को इसमें एक्स की पावर 2n का कोएफिशिएंट चाहिए, और वो कितना है, वो है ए टू एन। पर यहाँ पे ट्विस्ट है, क्योंकि तुमने एक्स स्क्वायर को एक्स से रिप्लेस किया है, तो एक्स की पार 2n जो है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स की पार n के साथ रिप्लेस। तो अब मैं कोएफिशिएंट किसका निकालूंगा, ए एन निकालूंगा, ए एन एक्स की पार n। तो ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पार 2n इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वलेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पार n इन दिस वन, एंड दैट इज इक्वल टू ए एन। तो ये बराबर आ गया ए एन के, ठीक है। तो मैं ये वाला तो कर सकता था, पर जो मैंने ई पार्ट लिखा था उसके लिए मेरे को क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, उसमें माइनस वाली चीज़ नहीं थी, उसमें ये पूरा सेम टू सेम लिखा था, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई थी, जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे डिग्री में चेंज आ रहा था, 2n हो जा रहा था वो, ठीक है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। फिलहाल जो भी है समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। टाइम के साथ मतलब अभी हमने इस टाइप की चीज़ बाइनोमियल में नहीं करी है कि हमने दो बाइनोमियल थ्योरम्स को मल्टीप्लाई करके उनके इतना ज़्यादा डीप एनालिसिस किया है, वो हम करेंगे, वो हम अभी इसके तुरंत बाद वाला जो टाइप होगा सम ऑफ सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग इस टाइप की चीज़ें करते हैं कि दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सोच रहे हैं क्या करना है, तो उसमें भी ये चीज़ वापस लौट के आएगी, उसमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा तुम्हें कि एन सी जीरो का स्क्वायर माइनस एन सी वन का स्क्वायर प्लस एन सी
टू का स्क्वायर एंड सो वन, ऐसी आखिरी तक जाएगा। तो वहां पे भी हम यही सेम चीज पढ़ा रहे होंगे। तो जब तुम ये सारी चीजें इतनी बार देख लोगे तो फिर तुम जब लौट के अपना रिवाइज करने आओगे तो तुम्हें ये वाला भी समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, पहली बार में बहुत कम लोगों को समझ में आता है, जिनको आ रहा है भाई साहब आप रैंक वन की तैयारी करिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ओहो, क्वेश्चन नंबर 18 ये रेजो की एचएलपी का क्वेश्चन है। 1 + x + x² ऐसे करते करते x की पार p है और इस पूरे की पार 6 है, और बोला गया ये कुछ इसका एक्सपेंशन ऐसा आएगा, आपने को पहले से बताया ना, अब अपने को डर ही नहीं लगता इन सब चीज़ों से, क्या बच्चों वाली चीज़ें ये सब है ना, क्या यार ये इसकी 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 वो क्या डिग्री x की पार p, तो x की पार p जब उसकी पार भी 6 होगा तो वो इस पूरी चीज़ का डिग्री होगा, वो ये लिखा हुआ यहाँ पर x की पार 6p, तो इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग, उन्होंने बोला ये निकालो। अच्छा जी, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो एक्चुअल में पता है इसके भी दो तरीके होते हैं, मतलब तुम सोच पाओ तो सोच, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, ऊपर से निकल गया कई लोगों के डिफरेंशिएशन, आए हाय इतना कर रहा टर्म, तो मैंने कहा यार डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं फिर, अगर डिफरेंशिएशन किसी को करना आता है तो वो सोच सकता है ये लिखा है a1x, तो ये तो सिंपल a1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, a नॉट का तो 0 ही हो जाएगा, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो यहाँ आएगा सिंपल 2a2x, सही है। फिर इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है a3x³, तो वहाँ जाएगा क्या 3a3x² एंड सो ऑन, आगे तक ऐसे ही जाने वाला है। आगे क्या आएगा, आगे आएगा 6b a 6b, ठीक है, आएगा x की पार 6b-1। अब सिंपल मैं बोलूंगा भाई तूने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया डिफरेंशिएशन, इधर भी डिफरेंशिएशन कर दे, इधर डिफरेंशिएशन कर देना, तो और उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर सिंपल x को 1 डाल देना, एक सेकंड में आंसर निकल जा जाएगा। दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये, अगर डिफरेंशिएशन आता है तो, नहीं आता तो आ जाओ अब इसको किसी और तरीके से सोचते हैं, अगर ये हो सकता है तो हो जाएगा, वरना मैं इस क्वेश्चन को छुड़वा दूंगा कि नहीं हो सकता। चलो देखते हैं कैसे होगा ये। ना भैया, ये बिना डिफरेंशिएशन के नहीं हो सकता, जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो कर सकता है, वरना यहाँ पे तुम जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता, एक टॉपिक होता है डिफरेंशिएशन, जिस बंदे ने फिजिक्स पढ़ रखी है ना, बेसिक फिजिक्स, उसमें पढ़ाया जाता है, वैसे ये कैलकुलस का एकदम बिल्कुल मेन टॉपिक है कैलकुलस का, उसमें बहुत काम में आता है, तो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ से आया क्या हुआ सब कुछ पढ़ेंगे, पर जिसको अभी के लिए फिलहाल नहीं आता हुआ कई लोगों को, तो जिन लोगों को नहीं आता है वो सर सॉल्यूशन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से उसको बस कॉपी कर लो, जैसे कि जब तुम डिफरेंशिएशन कर लो तो अपने नोट्स को भी पढ़ के तुम समझ जाओ, और नहीं समझ पाओ तो इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा लो, और या फिर स्टार नहीं तो मैं एक स्टार लगा करके एक नोट लिख लो यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब कर लेंगे या फिर तब देख लेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर भी लिख लेना कि कौन से लेक्चर में पढ़ा था, जैसे कि जब डिफरेंशिएशन पढ़ लो तब ये चीज़ याद आ जाए। ठीक है, तो सुनो, जब डिफरेंशिएशन तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, इसको मैं ऐसे करेंगे, देखो यहाँ लिखा है 1 + x + x² एंड सो ऑन टिल प्लस x की पार p होल की पार 6 है। जब डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सिंपल ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पे उतर के आ जाएगा, इस टाइप वाला होता है जब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, और यहाँ रखा है a0 + a1x, फिर है a2 का x², फिर .. a6p x की पार 6p। सिंपल सी बात है, जब मैं ऐसे करता हूँ x क्यूब है, मान लो लिखा हुआ यहाँ पर 5x³ प्लस में 4x² है और प्लस में 3x है और -2 = चलो कुछ नहीं, बस ये रखा है, अब बोला गया इसको डिफरेंशिएट करो, तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, ये जो 3 होता है ये नीचे आ जाता है, तो 5 × 3 कितना हो जाता है 15 x का, और यहाँ पे क्या हो जाता है 1 कम हो जाता है, तो सिमिलरली यहाँ पर होगा जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है इसको अगर मैं x मान लूँ तो चेन रूल से यहाँ पे क्या जाएगा 6, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज कॉपी पेस्ट, और ये जो डिग्री है इसकी 1 कम हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 5, सही है, यहाँ पे एज इट इज लिखा रहेगा 1 + x + x² एंड जो भी है ये अंदर प्लस x की बार पी तक। और अब मैं इसको करूँगा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे क्या आएगा, ए नॉट तो एक कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे क्या कम होगा, ये सिंपल 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा, ये आ जाएगा a1, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a2x, यहाँ पर रहेगा 2, फिर यहाँ पे होगा a3 का x³, तो a3 का x³ है तो x यहाँ पर रहेगा 3a3x² एंड सो ऑन टिल आखिरी में कितना आ जाएगा a xp 6 की पार 6p-1, यहाँ आ जाएगा 6p, मतलब नीचे उतर जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोग मैंने यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी, हम इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो आपका चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मैं इसको डिफरेंशिएशन यहाँ दिखाता हूँ, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर आपका जो x² है उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, फिर x³ कितना आएगा 3x² एंड सो ऑन, आखिरी में कितना आएगा x की पार p, यानी कि p x की पार p-1, ये वाली चीज़ पूरा LHS है और ये पूरा का पूरा RHS है, साफ साफ दिख रहा है कि अगर मेरे को ये चीज़ चाहिए तो मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, x = 1 करना पड़ेगा, तो अब यहाँ लिखेंगे put x = 1, तो जब x = 1 डाल दोगे तो RHS क्या बन जाएगा, सिंपल आपका a1 + 2a2 है ना, ऐसे करते करते 6p a 6p, जो हमारा एक तरीके से रिक्वायरमेंट है, ये हमें निकालना है। हमारा LHS में जब हम 1 डालेंगे तो क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इस वाले में इधर आ जाएगा 1 + 2 + 3 और ऐसे करते करते पी तक सम हो रहा है, बेसिकली सिंपल सा।
और एक सिक्स दिख रहा है मेरे को, तो एक मल्टीप्लाई हो रहा है सिक्स में। और फिर ये जो हमारा टर्म है इसमें क्या लिखा है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक आइए, एक्स की बार पी तक। अगर इस समय मैं वन डाल दूंगा तो एक्स की बार वन, एक्स की बार टू, एक्स की बार थ्री, ऐसे करते करते पी तक। तो ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, पी टर्म्स, और ये क्या है वन टर्म, यानी कि पी प्लस वन टर्म्स लिखे हुए हैं ये। और पी के पी टर्म्स में मैंने वन डाल दिया, यानी कि पी ही लिखा हुआ है, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कितनी बार है, पी प्लस वन बार, तो ये पी प्लस वन लिखा है। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है पी प्लस वन की पार पाँच, पी प्लस वन की पार पाँच, और ये बराबर होगा इसके, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब ये चीज़ क्या लिखी हुई है भाई, अगर मैं इसको देखता हूँ, ये इतना इतना वाला पोर्शन, तो ये क्या है, वन प्लस टू प्लस थ्री, ऐसे करते करते पी तक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी इंटू पी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू सिक्स इंटू पी प्लस वन का की पार फाइव। इस टू ने इसको यहाँ पे थ्री कर दिया और ये पी प्लस वन की पार फाइव है, ठीक है, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ओवरऑल कितना हो गया, ये हो गया बेसिकली पी इंटू पी प्लस वन होल की पार सिक्स, और यहाँ पर आ गया थ्री। और ये पूरा बराबर है किसके, हमारी रिक्वायरमेंट के, यानी कि ए वन टू ए टू एंड सो ऑन टिल सिक्स पी ए सिक्स पी, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब उसने मुझसे बोला वन अपॉन दिस थिंग, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को इधर ले जाऊँगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा ऐसे करके, और यहाँ आ जाएगा पी इंटू पी प्लस वन की पार सिक्स, और हमारा आंसर कितना आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है थ्री, ठीक है। तो दिस वॉज डेफिनेटली अ नाइस क्वेश्चन, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता उनके लिए तो बिल्कुल ही यहाँ पे काम तमाम है, जिनको डिफरेंशिएशन आता है उन्होंने भी बहुत आराम से कर लेना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑब्जर्वेशन भी बहुत क्लियर कट है, मतलब बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे सिंपल हम डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि टू यहाँ पे आ जाएगा और ये वन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब काफ़ी सिंपल क्लियर कट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है कि डिफरेंशिएशन के बिना ये नहीं होगा। अब ये दे रखा है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल की पर एन, और ये बराबर दे रखा है इसके, और ये डेफिनेटली इसके बराबर ही होगा क्योंकि इसकी डिग्री आएगी थ्री एन, तो यहाँ पे थ्री एन बिल्कुल सही दे रखा है। और बोला गया है कि ये दे रखा है, और फिर बोला है कि सिग्मा आर इक्वल टू जीरो से लेकर के थ्री एन में ए आर जो है वो के बराबर है, एंड इफ़ ये जो चीज़ है ये हमें दे रखी है लेमडा एन के बाई टू के बराबर, तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हुआ ये। तो अगर मैं इस वाले को देखता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये भी बिल्कुल वही है जो 18th क्वेश्चन है, तो फिर से यहाँ पर भी स्टार लगा लो क्योंकि ये भी डिफरेंशिएशन से ही होने वाला है, तो जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो इस टाइम पे बोनस में है। तो अगर मैं इतने इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो इसको अगर तुम इसमें जीरो डालते हो तो क्या आएगा, जीरो इंटू एनथिंग, तो वो तो जीरो हो गया। वन डालेगा तो क्या आएगा, ए वन, फिर टू डालेगा तो कितना आएगा, टू ए टू, फिर थ्री डालेगा तो कितना आएगा, थ्री ए थ्री, फिर कितना आएगा ऐसे करते करते थ्री एन ए थ्री एन। तो तुम देख सकते हो वही चीज़ बन गई जो ऊपर बन रही थी, और ये बराबर है एन सॉरी लेमडा एन के डिवाइड बाई टू के। अब ये के क्या चीज़ है, तो के तो बहुत सिंपल है, के तो क्या है ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू, है ना, ऐसे करते करते बेसिकली सारे कोएफिशिएंट का सम है वो तुम्हारा के है, तो वो हम निकाल सकते हैं इसमें वन डाल के। तो वन डाल दो, वन वन प्लस वन चार है, तो चार की पार एन, तो ये तो आ रहा है चार की पार एन, यानी कि के कितना हो गया, चार की पार एन हो गया, ठीक है। तो के तो बस इन्होंने बर्बादी करने के लिए दिया था, मतलब कोई ऐसा महान चीज़ थी नहीं के, तो के यहाँ पे पहले लिख दिया मैंने यहाँ पर क्या कि फोर की पार एन, ठीक है। अब हमारा टास्क ये है कि मैं जो इसको कैलकुलेट करना है, और वो मैं कैसे करूँगा, डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो भाई साहब आइए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। तो n इंटू, मतलब तरीका तो जैसे एक है, सही बताऊँ तो तुम्हें एक और तरीका भी है, पर वो इतना लेंदी है और इतना कन्फ्यूजिंग है कि उसको ना ही जाना तो ज़्यादा अच्छा है, और कन्फ्यूज ही हो गया और कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बुकों में उस तरीके का तरीका देखने को मिल जाएगा, फिर से वही होता है कि वन बाय एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, फिर कोएफिशिएंट ढूंढते हैं, ठीक है। वो उस तरीके से भी कर सकते हैं इस टाइप को भी, और 18वें वाले क्वेश्चन को भी, पर मैंने जानबूझ के बोला कि कोई और तरीका नहीं है, जैसे कि तुम्हारे दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे और तुम इसको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन से ही करोगे, ठीक है। अब मैं अंदर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा चेन रूल की वजह से, तो क्या आएगा, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, थ्री थ्री एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया एलएचएस का डिफरेंशिएशन, आरएचएस का डिफरेंशिएशन कितना आने वाला है, ए जीरो, फिर ना ए जीरो तो आएगा ही नहीं, ए वन आएगा, डिफरेंशिएट जब करोगे तो आएगा ए वन, फिर आएगा ए टू एक्स, फिर आएगा क्या कर रहा हूँ मैं, ये टू ए टू एक्स, फिर थ्री ए थ्री एक्स का स्क्वायर, फिर फोर ए फोर एक्स की पार क्यूब एंड सो वन, आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में आएगा थ्री एन ए थ्री एन एक्स की पार थ्री एन माइनस वन। साफ साफ दिख रहा है कि मैं क्या करूँगा, एक्स को क्या डाल दूंगा, वन डाल दूंगा, तो एल एच एस क्या बन जाएगा, एल एच एस बन जाएगा एन इंटू, ये क्या लिखा है, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, यानी कि फोर, तो फोर की पार एन माइनस वन है, तो एक फोर की पार एन लिख लो, नीचे क्या लिख दिया फोर, फिर यहाँ क्या बन गया, ये क्या बन गया, वन प्लस टू प्लस थ्री दैट इज सिक्स, तो यहाँ पर आ गया सिक्स, और ये किसके बराबर है, इसके, इसमें वन डालोगे तो क्या बन जाएगा, ए वन प्लस टू ए टू प्लस थ्री ए थ्री प्लस डॉट डॉट थ्री एन ए थ्री एन, और ये किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर, यानी कि लेमडा एन के बाई टू, के कितना है फोर की पार एन। अभी देखो टू ने इसका यहाँ पे टू कर दिया, फिर ये एन ने एन काट दिया, फोर की पार एन ने फोर की पार एन को काट दिया, सिक्स बाय टू कितना हो गया थ्री, तो लेमडा कितना आ गया थ्री आ गया, तो बस इसका आंसर कितना आ गया थ्री आ गया फाइनल।
तो अब 20th क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले ये बता देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे अभी उसमें ऑफर से लूँगा जब ये टाइप हमारा कौन सा हुआ इसके बाद। ये कौन सा टाइप चल रहा है? ये टाइप है टाइप 10। तो टाइप 10 के बाद आएगा टाइप 11, और टाइप जो 11 होगा, टाइप 11 में होगा आपका सीरीज, ठीक है ना, सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें फर्दर बहुत सारे टाइप्स होंगे, मतलब सब टाइप्स होंगे इसके अंदर। तो उन टाइप्स के अंदर पहले हम बाइनोमियल का देखेंगे, जैसे कि तुम्हारा फ्लो में आ जाओगे तुम, और उसके बाद जो ये क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं वो हम फिर से उसमें कर लेंगे। उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि तुम्हें लिंकिंग मिल जाएगी कि कैसे ट्राइनोमियल हो चाहे मल्टीनोमियल हो चाहे कुछ भी हो, उसमें कैसे सम ऑफ कोफिशिएंट्स जो होता है चाहे वो बाइनोमियल का हो चाहे किसी और का हो, सेम पैटर्न फॉलो करता है। तो अभी मैं जानबूझ के यहाँ पे बता दिया तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ बात बैठ गई, और उसके बाद जब दोबारा बाइनोमियल में करोगे तो उसका बाइनोमियल के साथ जब ये लिंक होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये सेम चीज़। इसका एक बहुत बड़ा सिंपल सा एग्जांपल इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं 20th वाले से ही। हमसे बोला गया कि 1 + x + x² / n जो है वो इसके बराबर है, बेसिकली इसके बराबर, किसके बराबर, ये a0 फिर a1x फिर a2x² और ऐसे करते करते आखिर में क्या आएगा a2n x^2n, है ना, ये आने वाला है। और अगर मैं तुमसे बोल लूँ कि इसका सम बताओ तो तुम बोलोगे क्या आएगा, a0 + a1 है ना + a2 कोएफिशिएंट्स का जो सम है, फिर a3, फिर बीच में कहीं पे an भी आ रहा होगा, ठीक है, चलो an-1 आ रहा होगा, फिर an आ रहा होगा, फिर an+1 भी आ रहा होगा, और फिर ऐसे करते करते a2n भी आ रहा होगा, है ना, ऐसे तक ये ऐसे जाने वाला है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने मुझसे ये बोला है कि तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें तुम्हें इसका सम बताना है। इसका सम मतलब अगर तुम इसमें 0 डाल दोगे तो तुम्हें a0 + a1 + a2 + a3 और ऐसे करते करते an-1, बस यहाँ का सम बताना है। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, मतलब मुझे ये बताना है सिर्फ और सिर्फ, मतलब मुझे इतना पोर्शन छोड़ देना है। अब मैं तुम्हें इसी तरीके का बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ दिखाता हूँ जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया था बायनोमियल के अंदर। तो बायनोमियल में ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला 70C1 + 70C2, ये वाला हम लोगों ने क्या किया था इसके अंदर एग्जैक्टली बताना। हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया था पहले तो 70C0 70C1 और ऐसे करते करते 70C34 तक गया था ये, और बीच में क्या गया था, बीच में आ गया था 70C35, राइट, फिर क्या गया था 70C36, और ये पूरा बराबर हो गया था किसके, 70C70 के। और फिर मैंने बोला था कि 70C70 जो होता है वो तो इसके बराबर होगा, 70C1 जो होगा वो इसके आगे वाले के बराबर होगा। हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा था इसको, 70C0 जो है वो बराबर होता है 70C70 के, है ना, फिर 70C1 जो होगा वो बराबर होगा 70C69 के, एंड सो ऑन। हम लोगों ने बोला था आखिरी में 70C34 जो होगा वो बराबर होगा किसके, इनके सामने, देखो 1 + 69 70 आ रहा है, तो अगर यहाँ पे 34 है तो यहाँ पे कितना आएगा 70C36 आएगा, यानी कि 34 वाला 36 के साथ होगा, तो बीच वाला बंदा बच रहा था बस। तो मैंने बोला था ये वाला सम जो है वो बराबर है इस वाले के, इतना तक हम लोगों ने कर लिया था। मैंने बोला था कि ये ए है और ये ए है, तो ये बोला था कि 2a + ये कितना है 70C35, और ये बराबर आ गया था किसके, ये बराबर आ गया था किसके, ये था बेसिकली 2^n, यानी कि 2^70, ठीक है। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ बड़े आराम से, ठीक है, ये याद आ रहा है, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, बस फर्क ये कि ट्राइनोमियल के अंदर हो रहा है, सेम चीज़, देख रहे हो। तो अब देखो अगर, और ये जो मैंने बोला था ये मैं पूरा जो एनालिसिस किया है ये मैंने इस प्रॉपर्टी के बेस पे किया है कि NCR जो होता है वो बराबर होता है NCn-R। तो ये तो इसलिए हम कर पाए क्योंकि बाइनोमियल में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी एनालाइज कर रखी हैं, पर अब यहाँ पे आ रहा है ट्राइनोमियल और इसमें हमने कुछ भी एनालाइज नहीं कर रखा है। तो पहला जो एक टेक अवे था ऊपर वाले डिस्कशन से वो ये था कि मुझे एक रिलेशन चाहिए कुछ इस टाइप का कि an जो है वो किसी, मतलब कुछ n-r आ जाए, 2n-r आ जाए, है ना, इस टाइप का कुछ तो चाहिए मेरे को यहाँ पर, जिससे कि मेरा कुछ काम बन सके, है ना, एक तो मेरे को ये चाहिए। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं ये बोल पाऊंगा कि अच्छा a0 जो होगा ना वो a2n के बराबर होगा, a1 जो होगा वो इसके बराबर होगा, फिर ऐसे ऐसे बनते जाएंगे पेयर, और फिर हो सकता है कि an-1 जो है वो इसके बराबर होगा, इस टाइप की कोई चीज मुझे चाहिए तभी मैं निकाल सकता हूँ इस टाइप का कुछ भी, ठीक है। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब हम इस बात पे निकल गए कि अब मेरे को क्या चाहिए, एक तरीके से मेरे को एक रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो अगर एक बहुत ही सिंपल तरीका देखें रिलेशन को बनाने का इसमें, तो वो एक तो ये हो सकता है कि जैसे हमें देखा है 1 + x + x² / n, और ये बराबर है किसके, σr = 0 to n, ठीक है ना, r = 0 से लेकर के 2n तक गया, और फिर यहाँ पर आ गया a r x^r। अब तुम्हें वो याद आ रहा है a + b - x, अगर सिग्मा में x दे रखा है fx तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ, है ना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर मैं ये इसमें यहाँ लगा दूंगा तो ये आ जाएगा σr = 0 से लेकर के 2n तक तो है ही, ये क्या बन जाएगा, r की जगह पे क्या लिख दूँ, r की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, a + b कितना हो जाएगा 0 + 2n, दैट इज 2n, एंड माइनस r, तो माइनस r, तो 2n - r, तो r की जगह पे लिख दो 2n - r, और इधर कितना जाएगा x^2n - r। ओके, परफेक्ट, है ना, मतलब आई होप सो कि इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बेसिकली ये जो है वो इसके बराबर आ रहा है,
सही है। तो तुम बोलोगे क्या करूँ मैं, अगर ऐसा हो भी रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी नई चीज़ तो है नहीं कुछ, मतलब ऐसा कुछ कोई इसका हम कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। मैंने कहा देखो हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये इसके बराबर आ चुका है ना, ये बात तो श्योर है ना एकदम। तो अब मैं काम करता हूँ, अब मैं इन दोनों को ज़रा सामने लिखता हूँ, तो 1 + x + इस तरह से आ रहा है मेरे को, इसकी बार n दिख रहा है। ये मैंने क्यों करा ए आर और 2n के साथ, क्योंकि ये सबसे सिंपल तरीका था इस टाइप का कुछ रिलेशन लाने का। मैंने क्या बोला, मैंने तुम्हें लाइन ऑफ थिंकिंग क्या बताई कि मेरे को कुछ यार इस टाइप का रिलेशन चाहिए था, कि n माइनस आर टाइप का रिलेशन चाहिए था, पर यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री तुम्हारी 2n तक जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2n। तो ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 2n माइनस आर कहाँ से ला सकता था मैं, 0 + 2n - r। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर लगाया, यहाँ पर मैंने ये चीज़ क्यों लगाई, कोई बोलेगा क्यों लगाई है, कि मैंने यहाँ से लगाई ये चीज़, मैंने क्यों लगाई ये, मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मैंने ये ऊपर जब ये क्वेश्चन किया था तो सबकॉन्शियस माइंड में मेरे ये घर कर गया था कि जब ऐसे हाफ हाफ में डिवाइड करना होता है तो एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, यानी कि कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन चाहिए होता है। तो मैंने ये रिलेशन के बारे में सोचा, जब रिलेशन के बारे में सोचा तो मैंने एनालाइज किया कि ये रिलेशन दिखता कैसे है, जब ऐसे देखा तो मैंने कहा अरे भाई ये तो ये वाली प्रॉपर्टी से आ जाएगा, तो मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब ये प्रॉपर्टी लगा दी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ है ना। तो जब मैं आगे बढ़ा तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, सिग्मा आर इक्वल जीरो से लेकर के 2n तक, यहाँ पे आ गया ए 2n - r, x की पार 2n है तो इतना तो लिख सकते हैं x की पार माइनस आर है ना, ये अपने काम का है। बाकी x की पार 2n जो है वो तो एक सिंपल सा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो r हमारा वेरिएबल है, देखो ना यहाँ पे r मेरा वेरिएबल है, n नहीं है, तो x की पार 2n को मैं सिग्मा के बाहर निकाल सकता हूँ, और जब मैं बाहर निकालूंगा तो मैं सीधे यहाँ लिख सकता हूँ x की पार 2n को। तो समझ में आ रही है बात, तो ये क्या बन गया यहाँ पर, ये भी इस टाइप से बन गया। अगर मैं इसको अंदर ले जाऊँ तो यहाँ बन गया 1 / x² फिर ये बन गया 1 / x + 1 होल की पार n, ठीक है। और ये बराबर आ रहा है किसके, सिग्मा आर इक्वल टू 0 की पार 2n, यहाँ पे लिखा हुआ है a 2n - r, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, 1 / x की पार r। ऑल राइट, अब ज़रा ध्यान से देखना, अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं बोलूँगा यार 1 / x को x के साथ रिप्लेस कर दो, तो ये बन गया क्या, ये बन गया सिंपली x² + x + 1। तुम पहले y से रिप्लेस कर दोगे, 1 / x को y मान लिया तो ये हो जाएगा y² + y + 1 है ना। तो मैंने सिंपल सीधे सीधे x को ही कर दिया, क्योंकि फिर मैं y को करने के बाद फिर मैं x में रिप्लेस करता तो बात वही पड़ती। तो x² + x + 1 की पार n, ये बराबर आ गया किसके, 2n σ r = 0 a 2n - r, ये तो कॉन्स्टेंट से फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 / x क्या बन गया, x की पार r बन गया। अब जरा मैं ज़रा ध्यान से देखूंगा, ये चीज़ देखूंगा मैं, ठीक है। और इस पूरी खिचड़ी को मैं हटा रहा हूँ अभी तुम्हें, और जिससे कि मैं डायरेक्टली दिखा सकूँ क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। ज़रा इधर देखो, ये चीज़ जो है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और 1 + x + x² की पार n, 1 + x, समझ रहे हो, 1 + x + x² की पार n, वही सेम चीज़ बन गई है। और तुम देख पा रहे होगे कि यहाँ लिखा है सिग्मा, ये चीज़ है ना, आर 0 से 2n तक, यहाँ लिखा है सेम चीज़, यहाँ लिखा है x की पार r, यहाँ पर भी वो लिखा है x की पार r, बस ये ar है ना, और यहाँ क्या लिखा है a 2n - r। तो दोनों की शादी करा दी गई है ना, दोनों की शादी करा दी है, मैं एक फ्रेम में ला नहीं पा रहा हूँ इनको, पर इससे हमने ये सीख लिया कि ए आर जो है वो बराबर होगा a 2n - r के। ये मेरी रिलेशन थी जो मुझे चाहिए थी, अब वो मैं इस तरीके से यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है, परफेक्ट। चलो ठीक है, तो अगर ये आ गया तो बस अब तो सब हट गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अब मेरे को ये समझ में आ चुका है कि ए आर जो है वो बराबर है a 2n - r के, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा है, ठीक है, ज़रा सही से लिख देता हूँ यहाँ पर, कि अगर ए आर जो है वो बराबर है a 2n - r के, दैट मीन्स कि अगर मैं a 0 निकालता हूँ तो वो किसके बराबर होगा, a 2n के, अगर मैं a 1 निकालता हूँ तो वो बराबर होगा a 2n - 1 के, अगर मैं a 2 निकालता हूँ तो वो बराबर होगा a 2n - 2 के, एंड सो ऑन। अगर मैं आगे तक चला जाऊँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मानो an, तो an किसके बराबर होगा a 2n - 1, यानी कि an के, दैट मीन्स कि अगर मैं इससे पहले वाला लिखता हूँ an - 1, तो वो किसके बराबर होगा a 2n - n - 1, तो n, ये बेसिकली हो गया n+1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया an+1, दैट मीन्स वॉट, दैट सिंपली मीन्स वॉट, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास था इस टाइप से कि a0 + a1, ऐसे करते करते मैं गया an - 1 तक, फिर बीच में आ गया an, फिर आ गया an+1 तक, और एंड देन ये आगे तक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a 2n तक। तो an+1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये भी पूरा का पूरा a है, दैट मीन्स, चलो इसको a मत मानो, इसको तुम s मान लो, क्यों, क्योंकि फिर ये a में तुम कन्फ्यूज़ हो सकते हो ना, a 0 a, और इसको भी a ही मान लो, तो इसको मान लेते हैं s, इसको भी मान लेते हैं s, तो s + an + s, ये किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा सम किसके बराबर है, तो ये तो हमें ऑलरेडी आता है ना, जैसे ऊपर बायनोमियल में क्या आता था 2 की पार n, तो इधर कितना आएगा 1 + 1 + 1 3 की पार n। तुम देख पा रहे हो कितना इसको कहते हैं स्टार्क सिमिलर, स्टार्क सेम मतलब बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम है ना, बिल्कुल उसी टाइप की कंडीशन बन रही है, बस फर्क क्या है, बायनोमियल का ट्राइनोमियल कर दिया है। तो IIT बड़े आराम से पूछ सकता है ये सेम चीज़, समझ रहे हो ना मेरी बात, अब उसने पूछा नहीं है, पर तुम समझ पा रहे हो यार कि कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है ऊपर वाले और इस वाले में, सही है। तो ये बन गया 2s + an = 3 की पार n,
ठीक है, तो ये एस कितना आ गया इसमें आंसर, 3 की पावर n माइनस an/2, दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना, यही इसको, इसी को तो मैं, हमने एस बोला है ना, तो बस ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, अगर वो इसकी जगह पे इसी इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी दे सकता था कि यहाँ पे इसकी बजाय वो ऐसे दे देता दे सिग्मा, यहाँ लिख देता दे ar, और यहाँ लिख देता कि r जो है वो है n+1 से लेकर के 2n तक, तो वो इस वाले एस की बात कर रहा होता उस टाइम पे, है ना, ये वाले पेयर की, तो आंसर तब भी सेम ही आता है। इन दोनों का आंसर कितना आएगा, इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है जो हमने अभी निकाला है, वो इन दोनों का आंसर आ रहा है। तो आई होप सो कि तुम्हें मजा आया इस वाली चीज़ में यार, कि बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर था, 3 की पावर n माइनस an/2, ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि कैसे बाइनोमियल जो है वो ट्राइनोमियल में एक्सपेंड हो रही है। इनफैक्ट ये आगे तक सेम चीज जा सकती है, ऐसे ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ट्राइनोमियल के लिए है, ये आगे तक जाएगा, पर हम इतना डीप में जा नहीं रहे हैं, तो तुम समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हें किस लेवल पर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि यूट्यूब पर नहीं है मिलेगा ये तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। यूट्यूब पर क्या किसी के पेड प्लेटफॉर्म में भी नहीं कराने वाला, कोटा में भी कोई नहीं पढ़ाता, सब पता है मेरे को, ठीक है, कोई नहीं कराता ये सब, पर मतलब मजा आया होगा, आई होप सो मजा आया होगा। और IIT कसम से बता रहा हूँ, IIT ने सिर्फ ये एक बार किया है, जो क्वेश्चन हम बाइनोमियल में कराते थे वो उसने ट्राइनोमियल में डाल के दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने ये दिया है ना, तो मैं इस टाइप से जो क्वेश्चन हम बाइनोमियल में कराते थे वो उसने ट्राइनोमियल में डाल के दिया है। तो अगर उसने वो एक बार कर दिया, इसका मतलब समझते हो तुम कि उसके अंदर हिम्मत है, IIT JEE एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेन्स की तो औकात नहीं है, एडवांस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ये चीज़ हिम्मत है कि वो आगे और भी किसी चीज़ के साथ कर सकता है, तो ऐसी सिमिलैरिटीज़ बिठानी पड़ेगी। अब तुम्हें मजे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि तुमने ये चीज़ देख ली, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस करी हैं, ये हो गया, ठीक है, और आपका ये चीज़ हो गई, ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सारे के सारे, ये हो गया है ना, इससे पहले वाला ये हो गया डिफरेंशिएशन वाला, ये सारे के सारे अभी मैं डिस्कस करूंगा बाइनोमियल के लिए, जस्ट लाइक जैसे मैंने ये वाला डिस्कस किया था। तो जब मैं तुम्हें बाइनोमियल के डिस्कस करूंगा उसके बाद मैं तुमसे सेम क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, तो तुम खुद बोलोगे यार कितना मजा आ रहा है कि बाइनोमियल की सेम चीज़ ट्राइनोमियल में अप्लाई हो रही है डायरेक्टली, यही करने वाले हैं हम, है ना, तो बाइनोमियल इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है कि कहने को तो एलजेब्रा है पूरा का पूरा, है ना, पर इतनी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, पर एक्चुअल में इंटरेस्टिंग है कि कैसे यार नेचर ने कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन किया है कि पैटर्न सेम आ रहा है, पैटर्न पैटर्न इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि पैटर्न एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई आंसर नहीं है, मतलब पैटर्न एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई रीज़न नहीं है कि ऐसा पैटर्न एग्जिस्ट ही क्यों करता है, नेचर ने ऐसा पैटर्न बनाया ही क्यों, ठीक है, और ये इसलिए मैं काफ़ी बड़ा बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि नथिंग इज़ रैंडम, है ना, दुनिया में कोई चीज़ रैंडमली नहीं हो रही है, बल्कि कंप्यूटर साइंस के अंदर तुम चाहो तो एक इस टाइप की बहुत सारी चीज़ आती है, फाइंड अ रैंडम नंबर, कि 1 से 100 में से कंप्यूटर तुम्हें कोई भी रैंडम नंबर देगा, तो मेरा मानना है कि कंप्यूटर में हर चीज़ कोडिंग से दी जाती है, सही है, तो वो 1 से 100 में से अगर कोई नंबर चूज़ कर रहा है तो वो रैंडम हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई पैटर्न होगा, पर कैसा पैटर्न है, हो सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग चले जाए उसके अंदर, तो बात अलग है, ठीक है, तो बहुत ही एपिक चीज़ है ये एक चीज़ है कि जो पैटर्न होता है वो ऐसे ही वाली बातें कर देता है एकदम, कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, खैर वो कहाँ चलेगा, इधर आ जाते हैं। बी पार्ट है, इफ़ एन इज इवन, अगर एन इवन है तो क्या होगा, अच्छा जी, अगर एन इवन होगा तो क्या होगा, होता होगा जो भी होना होगा, हम अगर इसमें देखेंगे इसने मुझसे पूछा गया है, तो अगर मैं 0 डाल दूंगा तो आएगा A0, 1 डाल दूंगा तो क्या आएगा A2, तो A0 A2 A4 ऐसे करते करते अगर मैं आखिरी तक डालूंगा तो 2 के अंदर जब मैं ये डालने वाला हूँ n/2-1, तो उससे मेरे पास क्या आएगा, n-2 आ जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, n-2 बन रहा है, सिंपल, ये इतनी सी सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पर, उसने इतनी सिंपल सी बात लिखी है, ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया। तो अब मैं तुम्हें फिर से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, सुनो भैया, क्या मुझे इतना तो पता है ना कि इसमें अगर मैं इसका सम निकालता हूँ A0+A2+A4 ऐसे करते करते अगर मैं आगे तक चला जाऊँ और मैं इसको निकालूँ तो ये सम कितना आता है, ये सम अगर मैं तुमसे पूछता हूँ तो कितना आएगा, आई होप सो इसके बारे में नॉलेज होगी, ये 2n तक जाएगा, A0+A2+A4 है ना, ऐसे करते करते A2n तक, ये हम लोगों ने निकाला था अभी ऊपर, कहाँ निकाला था, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला याद आ रहा होगा, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने इसको निकाला था, तो इसका आंसर कितना आ गया था, 3 की पावर n+1/2, समझ में आ गया होगा, पहले हम लोगों ने ये निकाला था, सॉरी पहले हम लोगों ने A0 ये वाला निकाला था, फिर इसका ऑल्टरनेटिव वाला निकाला था, दोनों को ऐड किया था तो इवन वाला आया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वाला आ जाएगा, माइनस वाला कितना आता है, 3 की पावर n-1/2, ठीक है, ये आया था, ठीक है, तो इस वाले में भी हमने ये यूज़ किया है, अब कैसे यूज़ किया है वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, तो इसका सम कितना आएगा, इसका सम आया था 3 की पावर n+1/2। अब मेरे को पता है इसके थ्रू कि a की पावर r जो है वो बराबर है a की पावर 2n-r। अब मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ इवन वालों के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ है इसने एक नया स्टेप फॉरवर्ड कर दिया है, इसने बोला मुझे ये चाहिए a0+a2+a4 and so on till a की पावर n-2, मुझे 2n तक नहीं चाहिए, मुझे n-2 तक चाहिए, मुझे इसका सम बता दो। अच्छा जी, तो एक तरीके से मैं बताऊँ क्या हो रहा है, इसको तुम फिर से एक नया सीक्वेंस मानो और फिर इसका आधा आधा कर रहे हैं, ऐसा वाला हो रहा है। तो अब यहाँ देखो, ये जो A0 जब मैं डालता हूँ तो ये बन जाता है A2n, जब मैं इसमें A2 डालता हूँ तो ये बन जाता है A2n-2, ठीक है, जब मैं इसमें आगे लेकर जाता हूँ, मानो मैंने डाला इसमें
एन डाला तो ये बन गया ए टू एन माइनस एन, यानी कि ए एन बन गया। ठीक है, इससे पहले तुम डालते हो ए एन माइनस वन, तो हम ए एन माइनस वन नहीं डालेंगे, हम डालेंगे ए एन माइनस टू, क्योंकि हमें इवन नंबर ही डालने हैं। तो ए एन माइनस टू जो तुम डालोगे इसमें, ठीक है, तो क्या होगा, तो आएगा ए की पावर टू एन माइनस टू। इसका मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि ये एन और एन कट गया, हमें आ गया एन, एन प्लस टू हो गया बेसिकली ये, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एन प्लस टू, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ हो रही है कि ए ज़ीरो जो है वो ए टू एन के बराबर है, ए टू जो है वो इससे ठीक पहले वाला जो होगा यहाँ पर ए टू एन माइनस टू, यही होगा इस सीरीज में। इसमें और कोई सीरीज, इस सीरीज में ए टू एन माइनस वन नहीं होगा इसके अंदर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इवन टर्म्स का सम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ए फोर है, तो ए फोर से ठीक यहाँ पे ए फोर पे कौन होगा, यहाँ पर, यहाँ पे होगा ए टू एन माइनस फोर, यहाँ पे ए टू एन माइनस थ्री या टू एन माइनस फाइव, इस टाइप की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि वो ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे होने वाला है। तो अब मैंने ये वाली पेयरिंग करी है इसमें, ठीक है। तो जब मैं ऐसी वाली पेयरिंग कर रहा हूँ तो ज़रा मैं थोड़ा और डिटेल में लिखता हूँ। तो ए ज़ीरो प्लस ए टू प्लस ए फोर, बीच में क्या आने वाला है, बीच में आएगा क्योंकि एन इवन है, तो ए एन इसमें एग्जिस्ट करेगा, पर ए एन से पहले ए एन माइनस वन नहीं एग्जिस्ट करेगा इस सीरीज के अंदर। इसके अंदर होगा ए एन माइनस टू, और इसके तुरंत बाद होगा ए एन, सॉरी ए एन प्लस टू, ए एन प्लस वन नहीं होगा इसके अंदर क्योंकि वो ऑड हो जाएगा। हमें सिर्फ इवन चाहिए एन प्लस टू, और एन इवन है तो एन माइनस टू भी इवन होगा, एन प्लस टू भी इवन होगा। इसके बाद होगा ए एन प्लस फोर, सही है, और ऐसे ही जाएगा आगे तक, और यहाँ पे कहीं होगा ए टू एन। अब सुनो, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर मैं इसको एस बोल दूँ और इसको एस बोल दूँ तो ये सेम आने वाला है। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि टू एस प्लस ए एन जो है वो बराबर है किसके, और ये इसका इस पूरे का सम कितना था, थ्री की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो बस हमारा आंसर आ चुका है, हमें एस चाहिए था, एस कितना हो गया, थ्री की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू माइनस ए एन, और इस पूरे को डिवाइड कर दो वन बाय टू से, दैट इज़ द फाइनल आंसर, दैट इज़ द फाइनल आंसर, ओके, परफेक्ट। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर दो, थ्री की पावर एन प्लस वन माइनस टू ए एन डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया इसका, बस सिंपल आंसर आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो ऑड वाले का निकाल के देखो। ये जो आज की क्लास है फिर से बहुत टफ है, और ये बहुत ही कम लोगों को समझ में आ रही होगी, ऐसी मेरी आशा है, आशा, क्योंकि मेरे को पता है ये बहुत ही कम लोगों को समझ में आती है, लेकिन जब हम लोग अभी स्पेशल सीरीज़ वाला कर लेंगे तो ये मतलब जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को अब और अपना दिमाग तेज़ हो जाएगा उनका, और फिर वो करने लगेंगे, फिर उनको अपना समझ में आ जाएगा। तो 90% जनता जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है उसको मैं लिख के दे रहा हूँ, उसको समझ में आ जाएगा जब वो बढ़ेगा। अभी इसके तुरंत वाला जो टाइप होगा ना उसमें जब मैं फिर से कराऊंगा तो तुम समझ जाओगे सब कुछ, ठीक है। फिर मैं तुमसे बोलूँगा कि पूरा रिवाइज करो तब तुम समझ जाओगे सब कुछ। और फिर तीसरा बंदा वो 10% बंदे जो अभी भी नहीं समझ पाए, जब वो कभी आगे बढ़ेंगे अपना पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करेंगे या कुछ अलग से प्रैक्टिस करेंगे, किसी दिन उनको दिमाग खुलेगा, किसी दिन उनके साथ लॉ जलेगी ज्ञान की, तब जाके उनको एकदम से याद आएगा, अच्छा ये बोलना चाह रहा था, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा भी होता है, ऐसा होता है कई बार होगा, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट आदमी के साथ होता है ऐसा, मेरे साथ भी कई बार हो चुका है कि एक चीज़ जो थी वो मुझे पहली बार समझ में नहीं आई, दूसरी बार समझ में नहीं आई, पर जब मैं बिल्कुल हार मान चुका हूँ, फिर मैं किसी दिन ऐसी मतलब मानो कहीं घूम घूम के आ गए है ना, कुछ मुँह हाथ पैर धो लिए, नहा ली, क्या क्या कह रहा हूँ मैं यार, मतलब किसी दिन तुम बहुत ज़्यादा फ्रेश बैठे हुए एकदम, मतलब एकदम सुबह उठे एकदम बिल्कुल फ्रेश मूड से ऐसा वाला, और फिर एकदम पता नहीं कैसे तुमने इसको देख लिया, तब एकदम अरे यार इतनी सी चीज़ बोल रहा था ये, और मुझे उस वो एक साल पहले मैंने इसको देखा था तब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, अब जाके समझ में आई है। तो लर्निंग फेज में हमेशा ऐसा होता है, और लर्निंग फेज में ना तो तुम टॉपर हो ना तो तुम जीरो। अब तुम समझ ही गए होगे इस वाले की अगर मैं बात करूंगा तो, ऑड वाले के लिए भी यही होने वाला है कि ए वन जो होगा वो बराबर होगा किसके, कुछ ए टू एन माइनस वन के, कुछ इस टाइप का हो रहा होगा इसमें, जो भी होगा फिलहाल तुम ये समझ जाओ कि इसमें भी कुछ इसी टाइप का बनेगा, टू एस प्लस, ठीक है। अच्छा चलो मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ, है ना भाई, तुम मेरे पीछे बढ़ जाओ, हाँ जी। तो ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव, ठीक है, फिर बीच में कहीं ए एन जरूर आएगा क्योंकि एन ऑड है इसलिए ए एन आना ही आना है। अच्छा इसके तुरंत बाद फिर ऐसे चलते चलते आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में आएगा ए टू एन। अच्छा ए टू एन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि टू एन तो पक्का इवन है ना, अगर एन ऑड है तो टू इंटू एनी थिंग चाहे ऑड हो चाहे इवन हो उसका आंसर तो इवन ही आने वाला है, तो वो इस इसका पार्ट ही नहीं होगा, इसका सबसे आखिरी वाला होगा टू एन माइनस वन, और ये वाला बंदा इसके साथ बराबर होने वाला है क्योंकि ए एन जो है, सॉरी ए आर जो है वो बराबर है ए टू एन माइनस आर के, ठीक है। तो जब मैं इसमें ए एन डालूंगा तो ये ए एन के बराबर होगा, इससे ठीक पहले क्या आएगा ए एन माइनस वन, वो इस सीरीज का पार्ट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर एन ऑड है तो एन माइनस वन क्या होगा इवन होगा, और एन प्लस वन क्या होगा वो भी इवन होगा। तो इससे ठीक पहले क्या होगा, इससे ठीक पहले फिर से वही होने वाला है ए एन माइनस टू, ठीक है, एंड देन अगेन ए एन प्लस टू, ठीक है, ये चमत्कार है इसका क्योंकि एन यहाँ पर ऑड है, तो अगर एन ऑड होगा तो एन से ठीक पहले वाला क्या होगा इवन, और एन के ठीक बाद वाला भी क्या होगा इवन होगा। भैया अगर थ्री ऑड है तो थ्री के बाद वाला क्या होता है फोर, इससे पहले क्या आता है टू, तो टू भी इवन है फोर भी इवन है और थ्री ऑड है, वही चीज़ हो रही है। एन ऑड है तो एन से पहले वाला भी नहीं होगा बाद वाला भी नहीं होगा, पर इसके ठीक पहले क्या आएगा वन, दैट इज ऑड, फोर के बाद क्या आएगा फाइव, तो एन माइनस वन, एन माइनस वन ये है और ये एन माइनस टू है और ये एन माइनस, ये एन प्लस टू है, ठीक है, तो ये हमारे ऑड है इस बार जो भी है।
फिर से देखो क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। हाँ जी, तो अगर मैं अब इस सीक्वेंस की बात करता हूँ तो इसमें क्या होगा, क्या लगता है तुम्हें? ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ हो रही होगी कि भाई ए वन हमारा इसके साथ बराबर है, ए थ्री हमारा कोई इसके यहाँ पे लिखा होगा ए टू एन माइनस थ्री वो इसके साथ बराबर होगा, फिर ऐसी ए फाइव बराबर आ रहा होगा, और ऐसी आखिरी में ये बराबर आ रहा होगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ और इसको भी ऐसे मान लेता हूँ, तो टू एस प्लस ए एन जो है वो बराबर आ चुका है किसके, इस पूरे का सम कितना होगा, थ्री की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो एस कितना हो गया, एस हो गया थ्री की पावर एन माइनस वन, फिर ये ए एन इधर आएगा जो बन जाएगा माइनस टू ए एन डिवाइडेड बाई फोर, दैट इज़ दी फाइनल आंसर ऑफ दिस वन। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और सब कुछ जो हमारा पूरा बेस था इसका वो कौन सा है, वो जो हम लोगों ने ऊपर बायनोमियल में जो क्वेश्चन किया है उसका बेस है ये बेसिकली, है ना, उसी से हमने सब कुछ निकाला है। तो आई होप सो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा होगा काफ़ी हद तक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला क्वेश्चन था और काफ़ी मज़ा भी आया होगा कि कैसे लिंक हो रहा है ये बायनोमियल के साथ। इस वाले क्वेश्चन में जो ये वाला जो पार्ट है वो हम अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हम कर सकते हैं पर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसको मैं एक अलग टाइप की तरह कराऊंगा बाद में आगे जाके, तो कोई सेंस नहीं बनता इसको करने का भी। और ये वाला करना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि इससे पहले ए जीरो ए टू ए फोर ऐसे करते करते, तो अगर मैं इस पूरे का सम निकाल लूँ यानी कि ए जीरो प्लस ए वन ऐसे करते करते आखिरी तक ए चालीस तक, ठीक है, तो वो कितना आएगा, सिंपल वन डाल दो इसमें, तो वन डाल के आएगा क्या आएगा, फोर आएगा, तो फोर की बार ट्वेंटी हो जाएगी, सही है, ठीक है। और अगर मैं इसमें नेगेटिव डाल दूंगा तो आएगा ए जीरो माइनस ए वन एंड सो अनटिल ए फोर्टी, ठीक है, मतलब मैंने ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आ गया बेसिकली, तो ए टू माइनस ए थ्री एंड सो वन। इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, सिंपल टू की बार ट्वेंटी आ जाएगा, क्योंकि ये वन माइनस वन खत्म, ये टू, तो टू की बार ट्वेंटी। अच्छा, ये कितना हो गया, ये हो गया टू की बार फोर्टी। अगर इसको पूरे को ऐड कर लिया और फिर टू से डिवाइड कर दिया तो तुम्हारे को इवन वाले का आंसर मिल जाएगा, और दोनों को माइनस कर दिया तो तुम्हें इस वाले का आंसर मिल जाएगा। ये हम लोग ऑलरेडी आता है, तो कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं थी, ठीक है। इसका जो मेन पार्ट था वो बेसिकली ये वाला था ए थर्टी नाइन बाई फोर्टी, और ये अभी हम कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं, मतलब वन बाई एक्स डाल के कर सकते हो, सिंपल तरीका होता है ए फोर्टी निकाल, जो तुम निकाल सकते हो वो निकाल सकते हो बड़े आराम से, पर ये हम करेंगे जब मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, तो वहाँ से तब करने में ज़्यादा भलाई रहेगी, ठीक है, तब कर लेंगे इस टाइप की चीज़ें, वहाँ बहुत करेंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन आ जाता है,